हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीजे क्लास में। बेल्ट्रॉन की तरफ से जो भर्ती आई फ्रेंड्स 2019 के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर का, तो उसको लेकर के मैंने डाला था वीडियो कि ऑनलाइन जो है 15 मार्च से शुरू होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो कल जो है 15 मार्च है और कल से जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू है और उसका लिंक जो है कल से एक्टिवेट हो जाएगा। तो किस टाइम होगा ये अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन कल हो जाएगा 15 मार्च को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कल ऑनलाइन होने वाला है, उससे पहले जो दोस्तों यहाँ पर ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए है। आप लोगों ने मेरे पिछले जो वीडियो डाला था मैंने, तो नोटिस के रिगार्डिंग में, तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और जो बेसिक कमेंट जो आ रहे थे फ्रेंड्स, वो आ रहे थे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो एज क्या होगा, क्योंकि उसमें जो है नोटिस में कुछ भी क्लियर नहीं था। सिर्फ था क्या कि 15 तारीख से जो है आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, उसमें कोई चीज़ भी क्लियर नहीं था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है मैं आप लोग को जो कमेंट था कि एज क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगा डेटा एंट्री ऑपरेटर का, एग्ज़ाम किस तरह से होगा, हिंदी इंग्लिश में रहेगा कि नहीं रहेगा, CBT होगा कि कंप्यूटर का लेगा कि टाइपिंग लेगा कि क्या लेगा, सब कुछ बताएंगे दोस्तों, और उसका सिलेबस क्या रहेगा, बहुत जरूरी सूचना आप लोगों के लिए, जरूर देखिए। और फ्रेंड्स, ऑनलाइन करने से पहले वीडियो को जरूर देखिएगा ये। तो फ्रेंड्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर का बहुत ही अच्छा जॉब है, जो इंटर पास है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले जो आया था शॉर्ट नोटिस, मैंने उस पर वीडियो बनाया था और आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और मुझे बहुत सारे कमेंट आए, उसको लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूँ। और फ्रेंड्स, कल जैसे ही ऑनलाइन चालू होगा तो मैं उस पर भी वीडियो बना के लाऊँगा कि कैसे आपको ऑनलाइन करना है, ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और दिखाते हैं आपको इसका फुल सूचना क्या क्या है इसके रिगार्डिंग में, और आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल सके सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इसका रिगार्डिंग में जो है एज, सैलरी, एग्ज़ाम सिलेबस वगैरह, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो न्यू रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला कल से, इसके रिगार्डिंग में कोई भी सूचना अभी तक नहीं आया है। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने बेल्ट्रॉन के वेबसाइट से ही एक PDF को डाउनलोड किया है, जो ज़्यादा पुराना नहीं है, जनवरी का ये विज्ञापन है। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं ऊपर में डेट 9 जनवरी 2019 का ये विज्ञापन है। तो मैं आपको इसी से समझाऊंगा कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का क्या क्या रहेगा, एज, सैलरी, सिलेबस वगैरह, एग्ज़ाम किस तरह होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो पुराना विज्ञापन है वो मैंने खोला हुआ है, इसमें देखिए हर तरह का पोस्ट है, चीफ अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट असिस्टेंट, इस टाइप का है, वो सारा पोस्ट था। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज का। तो चीफ अकाउंट ऑफिसर उसके लिए 57 साल है, जो अकाउंट ऑफिसर उसके लिए 40 साल है। इस सब के लिए फ्रेंड्स थोड़ा सा जो है हायर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो मैं बात कर लूँ यहाँ पर जो, तो जो फ्रेंड्स यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है वो इंटर लेवल का है, और यहाँ पर जो 3 नंबर देख रहे हैं अकाउंट असिस्टेंट, ये भी फ्रेंड्स आपका इंटर लेवल का पोस्ट है। और इसमें फ्रेंड देखिए एज यहाँ दिखा रहा 35 साल। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर ये अपर एज लिमिट है। ठीक है फ्रेंड्स, जो है आपका 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपको जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, इससे पहले भी जो वैकेंसी आया था डेटा एंट्री ऑपरेटर का, उसमें भी जो फ्रेंड्स 35 साल का एज ही था अपर एज लिमिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक आप दिखा दो आपको, देखिए नीचे में आपको जितना भी है आपका उसी लेवल का पोस्ट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव, रिसेप्शनिस्ट, स्टोर कीपर या ऑफिस असिस्टेंट, इस सब का जो है 35 साल यहाँ पर अपर एज लिमिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो मुझे कमेंट किए थे कि एज कितना रहेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियर है कि आपको जो एज है वो 35 ईयर रहेगा एज लिमिट। ठीक है फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सैलरी का। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अकाउंटेंट कम जो असिस्टेंट है, अकाउंट असिस्टेंट का जो है सैलरी यहाँ पर 15 से 20 हज़ार है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो DO है, DO का भी सैलरी सेम ही रहेगा 15 से 20 के लमसम में। ठीक है फ्रेंड्स, और थोड़ा नीचे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट का, यहाँ 20 से 25 है, स्टोर कीपर का 15 से 20 है, रिसेप्शनिस्ट का भी 15 से 20 है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका 15 से 20 जो है वही आपका रहने वाला है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ आपको जो है सब कुछ मिलेगा, PF कटेगा आपका जो है वहाँ पर, सब कुछ सुविधा मिलेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, और जो है आपको बता दो सिलेबस के बारे में कि एग्ज़ाम किस तरह से होगा। तो एग्ज़ाम जो है
फ्रेंड्स, वो आपको कंप्यूटर पे होगा रिटन टेस्ट, जो कि CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये फ्रेंड्स। और आप लोग को जो है हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आना अनिवार्य है, क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि आपको इंटर के साथ जो 12th पास है उसके साथ में आपको एक साल का जो है आपको कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, और जो हिंदी और अंग्रेजी का जो है टाइपिंग अनिवार्य है, तो उसका भी एग्ज़ाम ले सकता है। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आपका चयन होता है और उसमें नहीं ले, तो बाद में आपको वो चेक करेगा, और अगर फ्रेंड्स उसमें अगर पास करते हैं तो आपको जो है सैलरी और बढ़ा कर देगा, और फेल करते हैं तो उसमें जो सैलरी आपको कम मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग सीख लीजिए अगर नहीं सीखे हैं तो। फ्रेंड्स, ये रहा आपका एज, सैलरी और सिलेबस के बारे में, और एग्ज़ाम के बारे में किस तरह से एग्ज़ाम होगा। और फ्रेंड्स, देखते हैं कल कि ऑनलाइन जो शुरू होगा उसके बाद साथ में कुछ आता है कि नहीं इसके बारे में फुल नोटिस। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। कल मिलते हैं दोस्तों ऑनलाइन आवेदन के लिंक आने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।